Hello and welcome friends. This is the second test for this MTS, that is March test series. So the paper consists of total 45 questions. As all of you have appeared for the exam, and for those also who are going to see the recording of this session, good evening all of you. It is Vinayak Navle, Om Mete, Pandurang Kadam, Srishti Puyat, Shruti Panchal, Smruti Savle, Vaishnavi Padme, Vasantra Vingule, Shraddha Dutade. Welcome all of you. So viewers logged in and maybe went out. So please don't click the link the moment I posted it. I always mention the time for this session. So preferably click the link only at that given time. It is of no benefit to be here before time, isn't it? So with 11 concurrent viewers, let us start the session. So before I start, Telegram channel suddha ek banavlela aahe. So it is an advice to all of you to click the link given in the description for the Telegram channel and join that channel. It is NEET test series. Name of the Telegram channel is NEET test series, where we prepare for the NEET exam through test series of each and every month. And besides, I will provide some PDF books. Okay, variety of kinds of quality PDF books will be provided to you on that part, as well as some animations if you are required to see. If you want to see some kind of animations, you can post your request over there. Okay, तर स्वप्नील पवार, कृष्णाई पवार, मारिया पटेल, प्रदीप गोडबोले, निकिता वानखेड़े, हाय श्रद्धा दुतरे, ओके फाइन, वेलकम ऑल ऑफ यू. सुरू करू आज सेशनला. रोहित पाटिल, ओके बेटा, वेलकम ऑल ऑफ यू. सो एज यूजुअल वी आर गोइंग टू सी ऑल 45 क्वेश्चंस. So it is going to consume a lot more time. So without wasting any more time, let us move on to the question number one. Which of the following feature form the basis for the division of kingdom fungi into various classes? देखिए, kingdom fungi का जब classification किया गया था, तो उसमें पहले तो ये देखा गया कि mycelium septate है कि aseptate है. अगर mycelium aseptate होता है, तो हमने उसे phycomycetes में डाला था. ठीक है, और अगर सेप्टेट है तो फिर उसका आगे चल के हमने क्लासिफिकेशन किया कि सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट और एब्सेंट. ठीक है, अब अगर सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट है तो वो किस तरीके से बनते हैं? आर दे प्रोड्यूस एंडोजीनसली और एक्सोजीनसली? अकॉर्डिंगली एस्कोमाइसिट्स एंड बेसिडोमाइसिट्स आर प्रोड्यूस. तो यहाँ पर फ्रूटिंग बॉडी भी आएगा, ठीक है, और मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम ये भी आएगा, और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन ये भी आएगा. क्या नहीं आएगा वो है टाइप्स ऑफ हैबिटेट. ओके, हैबिटेट के बारे में कहीं पर भी कोई भी डिस्कशन नहीं है. सो राइट आंसर मस्ट बी 2, 3 एंड 4. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. देन क्वेश्चन नंबर 2, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जनरली ऑकर्स इन. अभी हैप्लोन्टिक का मतलब क्या होता है? हैप्लॉइड, दैट इज गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट, विच इज फाउंड इन अल्गी, जिसमें स्पोरोफाइट जो है वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो है सिर्फ और सिर्फ जायगोट. तो उसमें सिर्फ जायगोट ये एक ही सेल है जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन को रिप्रेजेंट करती है. तो ऐसे लाइफ साइकिल को हम बोलते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल. सो राइट आंसर मस्ट बी मोस्ट अल्गी, नॉट ऑल, बिकॉज फ्यूकस लाइक सम अल्गार देयर विच आर डिप्लोन्टिक. ओके, नेक्स्ट, इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की जीनस इज इंटरपोलेटेड बिटवीन. अब टैक्सोनॉमिक हायरार्की में जीनस कौन से दो कैटेगरी के बीच में आता है? अब अगर हम पूरा हायरार्की ड्रॉ कर दें, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो जीनस कौन दो के बीच में आ रहा है? एक है फैमिली और दूसरा है स्पीसीज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लास्ट, फैमिली एंड स्पीसीज. क्वेश्चन नंबर 4, टैक्सोनॉमिक की इज वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल. इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ. वेरी नाइसली फ्रेम क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है. यहाँ पर हमें बताया गया कि टैक्सोनॉमिक की क्या होता है, जो कि हमें पता है कि एक छोटा सा बुकलेट है और वो प्लांट के आइडेंटिफिकेशन या क्लासिफिकेशन में काम में आता है. तो उसको किस लिए यूज किया जा सकता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्लोरा, दूसरा मोनोग्राफ और फ्लोरा, तीसरा नन ऑफ दीज, और चौथा है मोनोग्राफ. तो देखो, फ्लोरा में भी क्या होता है कि पूरे एक जोग्राफिकल एरिया के जितने भी प्लांट्स हैं उनको
क्लासीफाई आइडेंटिफाई किया हुआ होता है, राइट। और मोनोग्राफ में भी क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस होती है। तो जाहिर सी बात है फ्लोरा और मोनोग्राफ दोनों में किस चीज़ का यूज़ हो सकता है, दैट इज टैक्सोनॉमिक की। सो राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, साइनोबैक्टीरिया आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड फॉर क्रॉप इंप्रूवमेंट बिकॉज दे कॉज, देखो अभी साइनोबैक्टीरिया माने ब्लू ग्रीन एल्गी विच कम्स फ्रॉम किंगडम मोनेरा, ऑल प्रोकैरियोट्स आर इंक्लूडेड ओवर देयर, सो दे आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर फील्ड, व्हाई फॉर, सो रीजन इज दैट लुक एट द वर्ड साइनो, प्रीफिक्स साइनो, साइनो इट इज फॉर नाइट्रोजन, यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ विटामिन B12, इट इज साइनोकोबालामाइन, सो साइनो प्रीफिक्स इज देयर फॉर नाइट्रोजन, सो दे कैन कॉज नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस नाइट्रोजन इट इज द मेजर और मैक्रोन्यूट्रिएंट रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। ओके, NPK, CHO, NPK, CAMGS, दीज आर द 9 एलिमेंट्स रिक्वायर्ड इन मेजर क्वांटिटीज, ओके, ह्यूज क्वांटिटीज, सो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट इज फुलफिल्ड बाय द फार्मर यूजुअली बाय सप्लाइंग यूरिया, सो इफ सम फार्मर डोंट वॉन्ट टू यूज यूरिया विच इज एनी वे हार्मफुल फॉर द सॉइल हेल्थ, देन इन दैट केस दैट फार्मर कैन यूज दिस साइनोबैक्टीरिया, ओके, सो इट विल रिड्यूस बर्डन ऑन यूजिंग द यूरिया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर इज एंटू फिक्सेशन एबिलिटी ऑफ दिस साइनोबैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट लैंड इनहैबिटिंग प्लांट्स, तो पहले जमीन पर आने वाले प्लांट्स कौन से है, ऑब्वियसली आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ब्रायोफाइट्स। देखो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स लिख दूँ तो आंसर बदल जाएगा, यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, अगर सक्सेसफुल वर्ड जोड़ दूँ मैं इसमें तो आंसर बदल जाएगा, इट विल बी देन टेडोफाइट्स। वाई, रीजन इज दैट ब्रायोफाइट इवन दे कम टू लैंड बट दे आर नॉट सक्सेसफुल टोटली बिकॉज फॉर द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दे रिक्वायर वाटर, ओके, सो दे आर लैंड इनहैबिटिंग बट दे आर नॉट सक्सेसफुल, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 7, मेगास्पोरोफिल ऑफ जिम्नोस्पर्म इज होमोलोगस टू डैश ऑफ एंजियोस्पर्म। रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन मेनी अ टाइम्स आई यूजली टेल माई स्टूडेंट्स टू लुक इन टू दीज थिंग्स, बिकॉज सी द टर्मिनोलॉजी ऑफ जिम्नोस्पर्म इज यूज इन एंजियोस्पर्म, लाइक माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, दीज आर द टर्म्स विच कम्स फ्रॉम जिम्नोस्पर्म, बट मेनी अ टाइम्स टैक्सोनॉमिस्ट यूज दीज टर्म्स इवन इन एंजियोस्पर्म, अदरवाइज इन एंजियोस्पर्म में टर्म्स कौन से हैं, स्टेमन है, कार्पेल है, ओवरी है, ओव्यूल है, ये वाले टर्म्स एंजियोस्पर्म में, लेकिन क्या करते हैं कि जिम्नोस्पर्म के टर्म्स को इधर एक्सटेंड कर देते हैं, तो ऐसे केस में मेगास्पोरोफिल जो है जिम्नोस्पर्म का वो एंजियोस्पर्म के किस चीज़ से होमोलोगस होगा, चीज हमें समझनी होगी थोड़ी सी। देखो जिम्नोस्पर्म में मेगास्पोरोफिल क्या करता है, बेसिकली स्पोरोफिल का मतलब क्या होता है, फिल माने लीफ, PHYLL, फिल का मतलब होता है लीफ, सो लीफ ऐसा लीफ कि जिसपे क्या तैयार होते, मेगास्पोर तैयार होते, राइट। अब हमें एंजियोस्पर्म में इसको देखना होगा कि एंजियोस्पर्म में ऐसे मेगास्पोर कहां पर तैयार होते, जाहिर सी बात है वो तैयार होते ओवरी में, और ओवरी किस चीज का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ कार्पेल, इजंट इट, सो राइट आंसर हियर इट मस्ट बी कार्पेल, नॉट सेपल, पेटल और स्टेमन। देन क्वेश्चन नंबर 8, पोलन ट्यूब ऑफ एन एंजियोस्पर्म पोलन कैरीज हाउ मेनी मेल गैमेट्स, सो इट इज ऑब्वियसली 2 मेल गैमेट्स, एंजियोस्पर्म का पोलन ट्यूब कितने गैमेट कैरी करता है, मेल गैमेट 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स, अब सिनर्जिड और एंटीपोडल इनके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, दे फर्दर डिवाइड बाई मियोसिस, नो दे आर हैप्लॉइड सो दे कैनॉट डिवाइड बाई मियोसिस, दे आर डिप्लॉइड, नो दे आर हैप्लॉइड, दे फॉर्म फ्यूचर प्लूमल रेडिकल, वॉट नॉनसेंस, प्लूमल रेडिकल ऐसा कुछ तैयार करते क्या वो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, दे रीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, येस दिस इज फॉर श्योर, ये सही है कि सिनर्जिड और जो ये एंटीपोडल्स है, अब एंटीपोडल होते हैं कैलेजल एंड में और सिनर्जिड होते हैं वो माइक्रोपैलर एंड में, फीमेल गैमेट के इर्द-गिर्द दोनों साइड में लैटरल पोजीशन में, तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, सो दे डीजनरेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल। नेक्स्ट, द लास्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइटिक जनरेशन इन ब्रायोफाइट्स, अब ब्रायोफाइट में कौन सा लास्ट स्टेज है, कौन सी जनरेशन का, गैमेटोफाइटिक जनरेशन का, तो देखो मैं सिर्फ ब्रायोफाइट की बात नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर हर एक प्लांट की बात करूँ अगर, तो लास्ट स्टेज कौन सा रहेगा, देखो गैमेटोफाइट के लिए फर्स्ट और लास्ट हम दोनों के यहाँ पर स्पेसिफाई कर देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गैमेटोफाइट, यहाँ पर लिख देता हूँ स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और यहाँ पर लिख देता हूँ स्पोरोफाइट, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फर्स्ट और इधर लिख देता हूँ लास्ट। तो देखो गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल को कौन सा रहेगा, इट इज स्पोर,
इट इज हैप्लॉइड प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस, और लास्ट क्या रहेगा, लास्ट रहेगा गैमेट, क्योंकि गैमेट के बाद क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होकर के जायगोट बनेगा, जायगोट तो डिप्लॉयड रहने वाला है। अब स्पोरोफाइट का फर्स्ट क्या रहेगा, ऑब्वियसली इट इज जायगोट, इजंट इट, और स्पोरोफाइट का लास्ट क्या रहेगा, स्पोरोफाइट का लास्ट क्या रहेगा, अब ये डिपेंड करता है, अगर एल्गी की बात हो रही है तो जायगोट इटसेल्फ, जायगोट दोनों तरफ रहेगा फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि वहां पर जायगोटिक मियोसिस होता है, ठीक है। अब बाकी की अगर बात करें तो स्पोर मदर सेल हम कह सकते हैं, स्पोर जिस सेल से बन रहा है, अब वो माइक्रोस्पोर मदर सेल हो सकता है, मेगास्पोर मदर सेल हो सकता है अगर हेट्रोस्पोर ही है, ठीक है, और अगर होमोस्पोर ही है तो सिर्फ हम इसे क्या कह सकते हैं, स्पोर मदर सेल्स, स्पोर मदर सेल्स। तो ये चीज अगर आपको समझ में नहीं आती है तो लिख के लीजिए या फिर इसको समझ के लीजिए। सो आफ्टर 10 क्वेश्चन लेट मी सी इफ एनीथिंग इज देयर, इफ एनीबडी हैज टू से समथिंग। ओके, सगळं समजतंय का व्यवस्थित, सगळे क्वेश्चन समजतायत, फाईन। रोहित पाटील गुड इवनिंग, चलो सगळं ठीकठाक सुरू आहे, पुढे जाऊया। क्वेश्चन नंबर 11, स्पोर्स इन टेडोफाइट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, अब टेडोफाइट के स्पोर्स कैसे, किस चीज से बनते हैं, सो बोथ स्पोरोफिल्स एंड कोन्स, जायगोट स्पोरोफिल और लास्ट ऑप्शन इट इज कोन्स। तो देखो टेरिडोफाइट के स्पोर कैसे, किस चीज से बन रहे, आर दे प्रोड्यूस फ्रॉम स्पोरोफिल और आर दे प्रोड्यूस इन अ कोन, यू मस्ट अंडरस्टैंड कोन इज अ कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट ऑफ स्पोरोफिल, ठीक है। तो स्पोर किस में बन रहे, वो बन रहे स्पोरोफिल में, सो आंसर मस्ट बी ओनली स्पोरोफिल। नाउ समबडी विल से कि सर कुछ टेरिडोफाइट में कोन्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, मैं बिल्कुल उसे डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन उस कोन के अंदर फिर क्या है, फिर स्पोरोफिल है, तो जो स्पोर बन रहे हैं क्या वो कोन से डायरेक्टली बन रहे हैं, नहीं, वो कहाँ से बन रहे हैं, वो बन रहे हैं स्पोरोफिल के अंदर, जो सोरस रहेगा ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया उसके अंदर, जो स्पोरेंजियम है उससे वो स्पोर बनने वाले या उसके अंदर बनने वाले। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, फर्स्ट ट्रू सीड बेयरिंग प्लांट्स आर मेंबर्स ऑफ, देखो फिर एक बार अभी थोड़ा सा अलग है, ट्रू सीड बेयरिंग की बात हो रही है, फर्स्ट की बात हो रही है, एंजियोस्पर्म हम कह सकते थे लेकिन फर्स्ट की बात हो रही है, सो राइट आंसर मस्ट बी जिम्नोस्पर्म, क्योंकि टेडोफाइट में सीड्स तो नहीं थी, सीड हैबिट की शुरुआत हुई थी बाय हेट्रोस्पोरी, लेकिन जिम्नोस्पर्म में 100% प्लांट हेट्रोस्पोरस है और सीड भी पूरी तरीके से वहां पर डेवलप हो चुका है। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसके पहले भी आया था, सो व्हाट इज दिस एक्स, एक्स इज द कैप्सूल, मॉस की डायग्राम है ये, देन दिस एक्स, व्हाट इज दिस वाई, इट इज अ गैमेटोफाइट इजंट इट, और जेड ये जो है ये क्या बता रहे हैं हमें, ये दिखा रहे हैं हमें राइजोइड्स इजंट इट। तो इस तरीके से एक्स कैप्सूल, वाई गैमेटोफाइट और जेड राइजोइड, इट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन ग्रीन एल्गी, अब देखो ग्रीन एल्गी में ए बी, पियोफाइसी में ए सी और ओडोफाइसी में ए डी, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। बायोलॉजिकल नेम्स आर इन लैटिन लैंग्वेज, अभी देखो ऐसे क्वेश्चन के लिए तो बिल्कुल एक सेकंड देना भी गलत होगा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर, देखो अभी आइसोगैमस स्पायरोगायरा, यस इट इज देयर, आइसोगैमस वॉलवॉक्स नहीं, ये गलत जा रहा है, वॉलवॉक्स में अनआइसोगैमस है, बाकी के जो तीन है ए सी और डी ये तीनों सही है, गलत हमें पूछा गया, इनकरेक्ट पेयर कौन सा है, सो इट इज ऑप्शन सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, अभी देखो ऊगैमस का हमें मतलब समझना होगा, पहले आइसोगैमस का मतलब अगर समझ ले तो दोनों गैमेट सेम है मॉर्फोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली, या तो दोनों मोटाइल या तो दोनों नॉन मोटाइल, जैसे भी है उनमें हम मेल या फीमेल ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ऐसे इसको हम क्या कहेंगे, आइसोगैमस, अनआइसोगैमस में एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है, ऊगैमस में एक छोटा है मोटाइल दूसरा बड़ा है और नॉन मोटाइल है, उसे हम क्या कहेंगे ऊगैमस, और खासकर जो दूसरा वाला बड़ा वाला जो गैमेट है वो बनता है गैमेटेंजियम माने ऊगोनियम नाम के सेक्स ऑर्गन में। तो ऊगैमस टाइप का कौन सा डिस्क्रिप्शन है, पहला क्या ऑप्शन कहता है फ्यूजन ऑफ लार्ज मोटाइल सॉरी नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल नॉन मोटाइल, देखो ये चीज़ यहाँ पर गलत है, मेल गैमेट जो है मोटाइल होना चाहिए ऊगैमस में। दूसरा क्या कहता है लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट एंड स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट, सीम्स टू फाइंड, सही लग रहा है। तीसरा स्मॉल नॉन मोटाइल फीमेल, नहीं ये स्मॉल गलत है। चौथे में लार्ज मोटाइल फीमेल गैमेट, यहाँ पर मोटाइल गलत है,
So right answer must be option B. Number 18, the sporophyte is attached to the gametophyte in. अब sporophyte gametophyte को जुड़ा हुआ होना ये कौन से group of plant में पाया जाता है? Not in algae, but it is true in case of bryophyte, isn't it? जैसे अभी हमने ऊपर की डायग्राम देखी थी, मॉस में हमने देखा था कि उसका स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट को अटैच है बाय मीन्स ऑफ फूड. ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज ब्रायोफाइट्स. नेक्स्ट सोलेनम, जीनस सोलेनम. नाउ अ बिट ऑफ करेक्शन इज हियर, सो प्लीज गेट इट करेक्टेड. इट इज सोलेनम इंक्लूड पोटैटो, ब्रिंजल, धतूरा एंड ट्यूलिप. सो एक्सेप्ट ट्यूलिप, ऑल दीज 1, 2, 3, ऑल ऑफ देम दे बिलोंग्स टू दिस सोलेनेसी. सो I can understand in answer key there was some different answer, but please get it corrected. It is 1, 2, 3. All these three, potato, brinjal and datura, all these plants, they belong to Solanaceae. Next, question number 20. Which of the following combination of character is true for slime molds? Ab slime mold ke liye kaun sa combination of character sahi hai? Saprophytic, sahi hai. Plasmodium without wall, bilkul theek hai. Spore dispersed by air current, ye bhi sahi hai. So first itself find to be गुड इनफ. फिर भी देखते हैं, पैरासाइटिक नहीं, पैरासाइटिक नहीं है, पैरासाइटिक नहीं है, सैप्रोफाइटिक है. प्लाज्मोडियम विद वॉल्स नहीं, ये गलत है, विदाउट वॉल है. ठीक है, सो राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन ए. देन 21, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. अब देखो इनकरेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर. इन सम मोनोकॉट सीड कंटेन मोर देन वन कॉटलेडॉन. ये क्या बेवकूफ़ी है भाई, मोनोकॉट में तो कंपल्सरी पहली रिक्वायरमेंट है कि इसमें अगर आना है तो एम्ब्रियो को सिर्फ एक कॉटलेडॉन चाहिए. तो यहाँ पर ही हमें गलत चीज़ मिल गई और सही जवाब, क्योंकि इनकरेक्ट की डिमांड हो रही है. दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, डायकॉट पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ ओवरी इनक्लोजिंग 1-2 मेनी ओव्यूल. बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब नहीं हो सकता, क्वेश्चन डन, इनकरेक्ट की डिमांड कर रहा है. डायकॉट प्लांट एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल एग अपैरेटस. बिल्कुल सही है, 2 सिनर्जिड और 1 पॉलिनेशन मीन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल. ये भी सही है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए. नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वेटिक फर्न. सो राइट आंसर इज सेल्विनिया. इवन इफ यू डोंट नो, प्लीज रजिस्टर सच थिंग इन योर माइंड, सेल्विनिया. सेल्विनिया इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स हेट्रोस्पोरी, इजंट इट? सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया, दीज टू आर द हेट्रोस्पोरस, व्हाट यू से, टेडोफाइट्स. ओके, इन विच टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड. क्वेश्चन नंबर 23, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स. सो दिस इज द सिंपलेस्ट ऑफ द लॉट, ऑल प्रोकैरियोट्स, इजंट इट? Desmids are commonly known as, it is a golden algae. All these things they are given in the NCERT in a very straightforward manner, so need not to miss such questions. And then fungi kya hai bhai, asexual, binary, true, no, it is for sure asexual. Amoeba, binary fission, hydra and yeast budding, and planaria, true regeneration, isn't it? So in this way, ek ka A, do ka B, और 3 का क्या है, देखो ये सही है, ये भी सही है, ये भी है, ये भी है. अभी 3 पे मजा आएगा. हाइड्रा इज डी चाहिए, सो हियर इट इज ट्रू, सो आंसर मस्ट बी ऑप्शन डी. प्लानरी ऑब्वियसली इट इज फॉर द ट्रू रीजनरेशन. देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इंक्लूड ऑल अदर्स. ये क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है, तो यहाँ पर हमें ऐसी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ढूंढनी होगी 4 में से कि जो सबसे लार्जेस्ट है, या फिर हायरार्की में जो सबसे ऊपर आती है एज कम्पेयर टू अदर्स. तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पेसीज. इसमें अभी स्पेसीज तो सबसे नीचे है, ऑर्डर, फैमिली, जीनस में ऑर्डर सबसे ऊपर है, सो राइट आंसर मस्ट बी ऑर्डर, हियर इट इज. देन एडल्ट इक्विसेटम प्लांट इज. अब देखो इक्विसेटम माने कौन से, कहाँ से आ रही है, इट इज कमिंग फ्रॉम टेडोफाइट. तो टेडोफाइट में स्पोरोफाइटिक जनरेशन डोमिनेंट है, सो एडल्ट प्लांट मस्ट बी अ स्पोरोफाइट, एंड स्पोरोफाइट एज यू नो इट इज अ डिप्लॉइड, सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी. नंबर 28, इन एंथर्स मियोसिस डिवीजन ऑकर्स टू प्रोड्यूस. एंथर में मियोटिक डिवीजन होकर के क्या बनेगा, एंथर में जब मियोसिस होगा तो क्या बनेगा उससे, ऑब्वियसली इट विल प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स. एंथर में क्या होते हैं, पोलन मदर सेल्स होते हैं, तो उसमें मियोसिस होगा तो क्या बनाएंगे, पोलन ग्रेन बनाएंगे जो कि हैप्लॉइड रहेंगे. Then, who wrote Species Plantarum and provided a basis for classification of plant? अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ. आंसर तो वैसे सिंपल है, इट इज कार्लस लिनाइस. ओके, लेकिन अगर बात हो जनरा प्लांटेरम की, तो जनरा प्लांटेरम 2 अलग अलग बुक्स है. इसमें का एक बुक जो पहले लिखा गया वो लिखा था कार्लस लिनाइस ने, और 100-150 साल बाद जो लिखा गया वो लिखा गया बेंथम और हुकर के द्वारा. तो अगर जनरा प्लांटेरम आ रहा है तो उसके दोनों भी ऑथर सही रहेंगे,
कार्लोस लिनाएस भी और बेंथम हुकर भी, दोनों भी आंसर सही रहेंगे, लेकिन यहाँ पर बेंथम हुकर तो वैसे भी ऑप्शन में नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर स्पेसीज की बात हो रही है, सो इट इज़ फॉर कार्लोस लिनाएस। मैंने बात जनरा प्लैंटेरियम की थी, स्पेसीज प्लैंटेरियम की नहीं थी। स्पेसीज प्लैंटेरियम फॉर श्योर इट इज़ बाय ओनली एंड ओनली कार्लोस लिनाएस। नंबर 30, ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम। अब ये डायग्राम याद रखने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी, अगर आप इसे ठीक से देखो तो ये आपको क्या दिखेगा, लेटर एफ का मिरर इमेज दिखेगा इस तरीके से, ठीक है, ये लेटर एफ इस तरीके से, लेकिन इसका मिरर इमेज देखोगे तो आपको ये ऐसे दिखाई देगा, इजंट इट। तो इस तरीके से ये लेटर एफ का थोड़ा बहुत एनालॉजी कह सकते हैं। अभी यहाँ पर क्या देखते हैं, मैं क्या दिख रहा है यहाँ पर, नंबर एक को ये जो गोल ऐसे दिख रहे हैं वो क्या है, एयर बबल्स, एयर ब्लैडर्स है, राइट। तो एक हो गया एयर ब्लैडर, दूसरा कहाँ पे जा रहा है, तीसरा कहाँ पे जा रहा है, ठीक से हमें देखना होगा। तीसरा जो है वो मिडरिब को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है, और दूसरा जो उसके लीफ को बता रहा है, लीफ को क्या कहते हैं इसमें फियोफाइसी में, इट इज फ्रॉन्ट, ठीक है। तो पहला एयर ब्लैडर दोनों में भी सही दिख रहा है, लेकिन दूसरे को मिडरिब कह रहा है, हालांकि तीसरा मिडरिब है। चलो और नीचे देखते हैं, दूसरा फ्रॉन्ट है और तीसरा मिडरिब है और चौथा होल्ड फास्ट, जो कि रूट का एनालॉगस स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस तरीके से राइट आंसर मस्ट बी द ऑप्शन बी। देन इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट इज जनरली फाउंड इन, देखो गैमेटोफाइट की बात हो रही है जो इंडिपेंडेंट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है। देखो शॉर्ट लिव्ड मतलब डोमिनेंट नहीं है लेकिन इंडिपेंडेंट भी है, तो ये बात हो रही है टेरिडोफाइट की, ठीक है, क्योंकि अगर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बात हो तो उनका जो गैमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट पर पूरी तरीके से डिपेंड करता है, लेकिन इंडिपेंडेंट की बात हो रही है, सो आंसर मस्ट बी टेरिडोफाइट, ओके। इन विटाकर्स फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूकैरियोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, अभी देखो विटाकर के फाइव किंगडम सिस्टम में प्रोकैरियोट का सिर्फ एक किंगडम बनता है जो कि मोनेरा है, बाकी के बचे चार किंगडम पूरे क्या है, यूकैरियोट्स के, सो राइट आंसर मस्ट बी फोर किंगडम, यूकैरियोट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग फोर किंगडम लाइक प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमली एंड फंगाई। देन सीवीड्स आर द सोर्स ऑफ, नाउ दिस इज अ न्यू थिंग, सो इट इज अ सोर्स ऑफ आयोडीन, इफ इट इज नॉट देयर इन यूर एनसीईआरटी प्लीज रजिस्टर इट, दिस काइंड ऑफ नॉलेज इन यूर ब्रेन, इन यूर डेटाबेस। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर इन फ्यूकस, नाउ फ्यूकस इज एन एल्गा कमिंग फ्रॉम फियोफाइसी विच इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज इट शोज डिप्लोंटिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, सो विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज देयर, सो जस्ट वी हैव सीन इट इज ऊगैमस, ओके। तो यहाँ पर आइसो, ऊ, अनाइसो और आइसो, तो ये बहुत सिंपल हो गया, ऊगैमस वेयर वन लार्ज नॉन मोटाइल फीमेल गैमेट फ्यूजेस विद द स्मॉलर मोटाइल मेल गैमेट, सो इट इज वेरी सिंपल हियर। 35, द ब्राउन पिगमेंट फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी, फियोफाइसी की बात हो रही है तो पिगमेंट कौन सा है उसमें, देखो ए बी है ग्रीन एल्गी में, ए सी है फियोफाइसी में और ए डी है रूडोफाइस में, उसके अलावा जो टिपिकल पिगमेंट है उसमें कौन सा है, यहाँ पर हमें मिलेगा फ्यूकोजैंथिन, अगर फाइकोरिथ्रिन की बात हो तो ये जाएगा रेड एल्गी में, ठीक है, फ्यूकोरिथ्रिन नाम की कोई चीज़ नहीं है और फियोफाइसिन इस नाम की भी कोई चीज़ नहीं है, तो फ्यूकोजैंथिन इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सैलेंट फीचर ऑफ किंगडम एनिमेलिया, एनिमेलिया का कौन सा फीचर नहीं है, सो हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक, बिल्कुल है, सभी एनिमल इसी फॉर्म में आते हैं। हायर फॉर्म एग्जिबिट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर, ये भी सही है। मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म विथ इंडेफिनाइट ग्रोथ, देखो मल्टीसेलर तो सही है लेकिन इंडेफिनाइट ग्रोथ ये प्लांट वाला फीचर है ना कि एनिमेलिया वाला, सो राइट आंसर मस्ट बी ऑप्शन सी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन, इज इट इज ट्रू, कॉपुलेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल का बॉडीली कॉन्टैक्ट होना, तो ये भी सही है लेकिन एनिमेलिया के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा फीचर जो है वो नहीं है एनिमेलिया का, तो इंडेफिनाइट ग्रोथ नहीं हो सकती एनिमल्स में। नंबर 37, ग्रीन एल्गी यूजुअली हैव अ रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ एन इनर लेयर ऑफ सेल्यूलोज एंड आउटर पेक्टोज, देखो ये चीज़ें आपको बिल्कुल, अगर मैं कहूँ ना आलिया तो आप झट से बोल दोगे बट, तो बस उसी तरीके से आपको आनी चाहिए, इनर सेल्यूलोज आउटर पेक्टोज, इवन वी नीड नॉट टू लुक एट द ऑप्शन, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, पोलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म आर प्रोड्यूस फ्रॉम, पोलन ग्रेन अभी इसी टाइप का क्वेश्चन हुआ था, एंथर में, इजंट इट, पोलन ग्रेन कहाँ पे बनते हैं, एंथर में, द अपर फर्टाइल पार्ट ऑफ द स्टेमन। प्लांट बॉडी कंसिस्ट ऑफ होल्ड पास, ट्राइप एंड फ्रॉन इन केस ऑफ, अब देखो ये तीन पार्ट कौन से ग्रुप ऑफ प्लांट में मिलते हैं, श्योरली इट इज अल्गी एंड इट इज इन द केस ऑफ फियोफाइसी, सो फियोफाइसी का मेंबर अगर आपको याद रखना था तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था इसके लिए, दैट वॉज एक्टोडिक्टो फुलकेसर, नाउ
देखो अभी लैमिनेरिया, साल्विनिया, कारा एंड सिलेजिनेला। तो अब सिलेजिनेला तो जा रहा है कहाँ पे? इट इज इन टेरिडोफाइट। कारा जा रहा है ग्रीन एल्गी में, साल्विनिया जा रहा है टेरिडोफाइट में, इजंट इट। और बचा लैमिनेरिया, फुल केसर में का या फ्यू यले जो था वो था लैमिनेरिया का। सो इट इज द राइट आंसर। नंबर 40, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस। अब एंजियोस्पर्म में माइक्रो और मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में क्या है? सो ऑकर इन ओव्यूल, ऑकर इन एंथर, फॉर्म गैमेट विदाउट फर्दर डिवीजन, इन्वॉल्व मियोसिस। यू मस्ट अंडरस्टैंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या मेगास्पोरोजेनेसिस दोनों में क्या होता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होकर के ये चीज़ें होती है, इसका रिजल्ट क्या होता है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बन जाते हैं। सो इट इन्वॉल्व मियोसिस, सिंपलेस्ट वन। फॉर द फर्स्ट टाइम वायरसेस वी आर आइडेंटिफाइड फ्रॉम, वेरी इजी वन, टोबैको लीव्स। टोबैको मोजाइक डिसीज का जब रिसर्च किया था तब जाकर के ये फर्स्ट वायरस वहां पे देखने को मिला था। देन द फर्स्ट लैंड प्लांट बिलोंग्स टू द ग्रुप, नाउ दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन बट हियर आंसर इज गिवन अ बिट डिफरेंट, सो यू मस्ट करेक्ट इट। राइट आंसर मस्ट बी ब्रायोफाइटा, बिकॉज सी अगेन आई विल टेल यू, इफ आई जस्ट एड वन मोर वन वर्ड जस्ट दैट इज सक्सेसफुल अगर कर दूंगा तो आंसर बदल जाएगा, एज इट इज नॉट देयर आंसर मस्ट बी ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट वन, द हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट्स आर। अब कौन से जो टेरिडोफाइट है वो हेट्रोस्पोरस है? एज आई टोल्ड यू सिलेजिनेला एंड साल्विनिया। साल्विनिया इट इज एक्वेटिक फॉर्म एज वेल। 44, एयर ब्लैडर्स आर प्रेजेंट इन। अब एयर ब्लैडर अभी अभी तो बात हुई थी, एयर ब्लैडर अभी जो हमने ऊपर का डायग्राम दिखा था, फियोफाइसी। फियोफाइसी में से कौन सा कौन आ रहा है? फ्यूकस, इजेंट इट। अभी तो यफ का मैंने वो ट्रिक समझाया था। एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टूडे सेशन, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट एम्प्लॉयज न्यूमेरिकल डेटा टू इवेल्युएट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड हियर, न्यूमेरिकल डेटा की बात हो रही है मतलब मॉडर्न टैक्सोनॉमी की बात हो रही है, पहली चीज। अब इसके दो स्ट्रीम्स है, एक है क्लैडिस्टिक और दूसरा है फिनेटिक्स, ठीक है। तो फिनेटिक जो है वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को देखता है, और जो क्लैडिस्टिक है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को देखता है, ठीक है। तो यहाँ पर बात हो रही है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस और न्यूमेरिकल डेटा के यूज़ की, लेकिन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, एंड दैट इज़ वाई आंसर मस्ट बी फिनेटिक्स, नथिंग टू डू विद द बायोसिस्टमैटिक कीमोटैक्सोनॉमी और साइटोटैक्सोनॉमी, प्लीज। ओके, सो दीज वर द क्वेश्चंस। विनायक नोले 175, ग्रेट, प्लीज लेट मी नो यूर मार्क्स विद इन अ मिनिट। सर्वांनी आपले मार्क सांगा, लेट मी सी व्हाट्सअपवर सर्वांचे मार्क पाहणं होत नाहीत। क्वेश्चन नंबर 35, विष्णू उटकुळे, 35 का होता। फ्युकोझॅन्थिन, इट इज द नेम ऑफ द पिगमेंट गिवन देअर इन अ टेबल विच आय हॅव आस्क यू टू राईट इट 5 to 10 टाइम्स। Nikita Vankede, okay, if you say I will accept it, what? Nikita, but they are not mentioned about Dhatura. Is it also included in Solanum? Yes. Dhatura, it is a botanical name as well. Datura stramonium, yes. Elme word given right explanation. Okay, here single life 145, Janvi Kobre 148, Pradeep Godbole 155, Shraddha Vattamar 165, Nikita 170, Rohit Patil 152, Narayan Kumbar Basveshwar Ganpurkar 176, Chan. Arya Palimkar 176, best. Okay, nice to see your score, Changli Goshtai. So now in next test again you will you have to prepare these three chapter for the next test as well. I hope you will do that easily. Mahesh Panchal 156. See, if you are scoring not 170, 175, or if I'm not appreciating you online or offline, it doesn't matter. This test series is there just to make you revise the things once a month. This is my only target. Okay, so agar main aapko appreciate kar bhi raha hu to bhi achhi baat hai, nahi bhi kar raha hu to usse bhi achhi baat hai.
ओके, नीड नॉट टू वरी एट ऑल. हमारा उद्देश्य जो है सिर्फ इतना है कि हमें रिवाइज करवाना है पूरा जितना भी है. देखो अभी मार्च टेस्ट सीरीज होने के बाद अप्रैल में ये चैप्टर आप फिर से जब उठाओगे ना, बिलीव मी यू विल प्रिपेयर दिस चैप्टर, दीज थ्री चैप्टर्स आई एम टेलिंग यू विद इन 15 मिनट्स. बिल्कुल 15 मिनट के अंदर आपके 3 चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे. वॉट एल्स यू वॉन्ट? ओके फाइन. तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आज टेलीग्राम का लिंक भी दिया है, सो क्लिक दैट लिंक एंड ज्वाइन द ग्रुप सो दैट यू कैन सी और यू विल गेट मेनी मोर मटेरियल फॉर द नीट प्रिपरेशन. ओके, सो विद दिस नोट लेट अस वाइंड अप द सेशन एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.